बहरोड में काकरदोपा गांव में देर रात घर में चोरी की नियत से घुसे चोरों ने मकान मालिक के जाग होने के कारण फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। मकान मालिक संदीप यादव ने बताया कि रात करीब 1 बजे घर में परिवार के लोग सोए हुए थे, तभी बाहर की तरफ से आवाज आई तो घर से बाहर जाकर देखा तो घर के पीछे 3 बदमाश नजर आए। उसमें एक बदमाश को पकड़ना चाहा तो उसने लकड़ी के फट्टे से वार कर दिया। संदीप ने लकड़ी को पकड़ लिया तभी दूसरे बदमाश द्वारा फायरिंग कर दी गई और तीनों बदमाश भागने में सफल हो गए। मामले की सूचना लगते ही बहरोड डीएसपी महावीर सिंह, थाना प्रभारी विनोद सांखला, मैच जाब्ते के मौके पर पहुंचे और बदमाशों के पकड़ने में जुट गए। वहीं चोरों के द्वारा कल्याणपुरा गांव में भी चोरी का प्रयास किया गया था लेकिन जाग होने के कारण वहां से भी फरार हो गए। थाना प्रभारी विनोद सांखला ने बताया कि देर रात बहरोड के काकरदोपा गांव में चोरी व फायरिंग का प्रयास किया गया था लेकिन जाग होने के कारण वे फरार हो गए। पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी सूचना मिली थी कि काकड़दोपा गांव में एक मनोज शर्मा परिराम का घर है, वहां पे कोई अज्ञात लोग आए और उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया। जब जाग हो गई एक व्यक्ति को पकड़ लिया तो तदुपरांत दो व्यक्तियों ने उसको छुड़ाने के चक्कर में फायर किया। पुलिस मौके पे है, हम लोग मौके पे तलाश कर रहे और जल्दी पकड़ा जाए। ये रात की 1 बजे की घटना है, हम सो रहे थे, बाहर से आवाज़ आ रही थी, हमने उठ के देखा 3 बंदे थे वो पीछे लुक गए तो हमने उसके ऊपर कूदा, हाथापाई हुई तो उन्होंने हमारे ऊपर गोली चला के रोक दिया। और जवान लड़के थे, तीनों पतले पतले।